फर्स्ट स्टेप जो आपको लोअर सेम निकालना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन. fx दे दिया आपको, fx इज इक्वल टू x प्लस 1. fx दिया बच्चों x प्लस 1 और x बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल में 2, 3. ठीक है, पार्टीशन उसने दिया है p, पार्टीशन p दिया 1, 2, 3. ठीक है, आपको क्या निकालना है फिर, लोअर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p और अपर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p, ये आपको फाइंड आउट करना है. आपको निकालना है तो एल एफ पी और यू एफ, ये आपको निकालना. ठीक है, अब देखो कल हमने किया था कि अगर आपके पास पार्टीशन दे रखा है उसने फाइनाइट क्लोज इंटरवल है 1, 2, 3, उसका एक पार्टीशन दिया 1, 2, 3, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा कि हम सब इंटरवल्स बना लेंगे इस पार्टीशन की हेल्प से. ठीक है, सब इंटरवल जब हम बनाएंगे तो फर्स्ट सब इंटरवल बनेगा जो I1, 1, 2, 2, क्लोज इंटरवल 1, 2, 2. फिर हम सेकंड सब इंटरवल बनाएंगे 2, 2, 3, 2, 2, 3. दो ही सब इंटरवल बनेंगे इस पार्टीशन से, दोनों सब इंटरवल हमने बना दिए. उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, लेंथ निकाल लेंगे, दोनों ही सब इंटरवल्स की लेंथ निकाल लेंगे. जिसकी लेंथ निकाली तो डेल्टा 1 किसके इक्वल है आ जाएगा 2 माइनस 1, 1. फिर डेल्टा 2 जब हम निकाल लेंगे तो 3 माइनस 2, 1. लेंथ निकाल ली हमने. अगर अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप नॉर्म बताओ पी का, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो नॉर्म आ जाएगा पी का, पर यहाँ पर तो दोनों ही 1, 1 है तो 1, 1 का मैक्सिमम भी 1 ही आएगा. तो अगर नॉर्म पूछा जाए आपसे कि नॉर्म बताओ पी का, तो वो आ जाएगा 1. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है नॉर्म की. लेंथ निकल गई. अब एक बात देखो, जब हम एल एफ पी निकाल लेंगे तो एल एफ पी का जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, r is from 1 to n था, लेकिन यहाँ पर तो दो ही सब इंटरवल बन रहे हैं, तो r is from 1 to 2 small m r delta r. अब r की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, small m 1 delta 1. ठीक है, समेशन है तो बीच में प्लस का साइन, फिर r की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो small m 2 delta 2, यही होगा. ये वैल्यूज निकाल के यहाँ पर पुट कर देनी, आपके पास लोअर सम निकल जाएगा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन की. ठीक है, डेल्टा 1 हमने निकाल लिया, डेल्टा 2 हमने निकाल लिया. अब दो वैल्यूज रहती है m1 और m2, ये निकाल लिया. उसके बाद अपर सम के लिए देख लेते हैं एक बार. अपर सम का फॉर्मूला बताया था r इज फ्रॉम 1 टू n, जब n सब इंटरवल बन रहे थे तो था n, लेकिन यहाँ पर दो ही सब इंटरवल बन रहे तो r की वैल्यू फ्रॉम 1 टू 2. फिर कैपिटल एम आर डेल्टा आर. ठीक है, अब जब आप आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम 1 डेल्टा 1, फिर समेशन है तो बीच में प्लस का साइन, और जब आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आप एम 2 डेल्टा 2, ये आ गया. ठीक है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 हम निकाल चुके हैं, कैपिटल एम 1 कैपिटल एम 2 स्मॉल एम 1 स्मॉल एम 2 ये वैल्यूज हमें निकालनी है. ये वैल्यूज निकाल के यहाँ पर पुट कर देनी, आपके पास लोअर सम और अपर सम निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक का तो कोई मुश्किल काम नहीं था, मुश्किल आगे भी नहीं है, बट सिर्फ ध्यान से समझना है आपको कि स्मॉल एम 1 और कैपिटल एम 1 और इनकी वैल्यू कैसे निकलती है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही निकलेगी. तो देखो सबसे पहले तो फर्स्ट सब इंटरवल में हम देखते हैं कि फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो. फर्स्ट सब इंटरवल I1 लिया मैंने 1, 2, 2, इसमें हमने फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना है.
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो आएगा इस सब इंटरवल में फंक्शन का वो क्या हो जाएगा स्मॉल m1, और जो लिस्ट अपर बाउंड आएगा फंक्शन का इस सब इंटरवल में वो क्या हो जाएगा कैपिटल m1। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, x प्लस वन यही दे रखी है। तो जब आप यहाँ पर ये देखोगे, देखो यहाँ पर x अगर मैं देखूँ तो इस इंटरवल में कौन से पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स जो कि 1 और 2 के बीच में और 1 और 2 भी हो सकता है, यही है। अब मैं ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कैसे बनेगा, x प्लस वन है ना, तो x प्लस वन का लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम देखना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप क्या करो 1 ऐड कर दो, कर सकते हो इनइक्वालिटी में 1 ऐड, 1 ऐड किया तो यहाँ पर भी 1 ऐड करोगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 ऐड करोगे तो ये आ गया 3। अब इसकी जगह पे पुट कर दो f ऑफ x, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 2 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, आपके पास फंक्शन की ये पता चल गया कि फंक्शन की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, इस सब इंटरवल से आपको ये पता चल गया कि जो आपका फंक्शन है ना वो किस में बिलोंग कर रहा है, 2 2 3 सारी वैल्यूज यही है, मतलब जो वैल्यूज आएंगी फंक्शन की वो 2 और 3 भी हो सकती है और 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, पर आपको वैल्यूज नहीं देखनी, आपको तो सिर्फ किसकी ज़रूरत थी, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो आपको ये बच्चा बताएगा लिस्ट अपर बाउंड क्या बनेगा, कोई भी हाथ खड़ा करो फिर उसी से पूछ लूँगी। हाँ बेटा बता, शिवानी बताइए, 3 लिस्ट अपर बाउंड आ गया 3, वेरी गुड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगा बोल दो 2। ठीक, तो देखो यहाँ से बच्चों देखो जो फंक्शन की वैल्यूज है ना वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, तो मैं कहती हूँ कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिससे सारी की सारी वैल्यू जो है वो या तो बड़ी हो या इक्वल हो, तो वो नंबर है 2। ठीक है, और 2 या 2 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे लोअर बाउंड है, बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगा 2 बनेगा। सेम ऐसे ही 3 एक ऐसा नंबर है कि फंक्शन की सारी वैल्यूज इस सब इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो 3 से या तो लेस है या फिर इक्वल है, तो 3 क्या बन गया अपर बाउंड, 3 और 3 से बड़े जितने भी नंबर है वो सारे के सारे अपर बाउंड बन गए, लेकिन उन सारे अपर बाउंड में से लिस्ट अपर बाउंड कौन सा है 3। ये चीज अगर किसी को नहीं ध्यान हो तो सीक्वेंस एंड सीरीज में टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर कराया था उसमें था, और अभी मैंने रिवीजन भी करा दिया था। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल m1 की वैल्यू आ गई बच्चों ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन फर्स्ट सब इंटरवल 1 2, और ये दो 2 आ गई है। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल m1 जब आपने निकाला तो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन सब कौन सा क्लोज इंटरवल 1 2 2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, निकल गई वैल्यू, यही वैल्यू चाहिए थी हमें, एक तो निकल गई, फिर हमें स्मॉल m2 और कैपिटल m2 वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू वहां से निकलेगी सेकेंड सब इंटरवल से, सेकेंड सब इंटरवल है आपके पास 2 2 3। ठीक है, इसका मतलब कि जो इसमें कौन कौन से पॉइंट है वो सारे पॉइंट है जो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं आप, और 2 और 3 भी है। ठीक है, अब हमें फंक्शन का देखना है, तो x प्लस 1 कर दिया, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 4, ये हो गया f ऑफ x, ये आ गया 4, ये हो गया 3, सेम बच्चों बिल्कुल। ठीक है ना, फिर यहाँ से कैपिटल f2 की क्या वैल्यू आ गई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन क्लोज इंटरवल 2 2 3। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी 3। कैपिटल m2 की क्या वैल्यू आएगी जो ये वैल्यूज ले जाकर LFP और यहाँ पर पुट कर दो, आपके पास लोअर सम और अपर सम आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p। तो लोअर सम आ गया आपके पास 5, और फिर जब आप अपर सम निकालोगे बच्चों तो यू एफ पी इज इक्वल टू, तो कैपिटल
m13 इनटू 1 प्लस m2 है 4 इनटू डेल्टा 2 है 1, ये आ गया 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ये आ गया आपके पास लोअर सम का, ठीक है यहां तक। अब इसके आगे इसने एक और चीज कह रखी है कि आपको है ना लोअर सम और अपर सम निकालना है किसी इस पी पार्टीशन की किसी रिफाइनमेंट के लिए। तो रिफाइनमेंट क्या होती है किसी पार्टीशन की, कल ही बताया था P1 इसकी रिफाइनमेंट बन जाएगी, वो भी पार्टीशन ही होगा इसी क्लोज्ड इंटरवल का, अगर P1 सुपरसेट ऑफ P का, ठीक है, तो P1 रिफाइनमेंट होगी P, तो इससे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, वही पर पार्टीशन होना चाहिए। किसी ने ले लिया 1, 1.523, ये ले लिया, ये भी रिफाइनमेंट है। किसी बच्चे ने ले लिया 1, 2, 2.53, ये भी रिफाइनमेंट है। किसी बच्चे ने ले लिया 1, 1.52, 2.53, ये भी एक रिफाइनमेंट है, ठीक है, मतलब कुछ भी ले लो 1, 1.223, ये ले लिया, ये भी एक रिफाइनमेंट है। तो वो लेके और सेम आपको लोअर सम और अपर सम निकालना है इसी फंक्शन का और जो सब इंटरवल बने, ठीक है। तो कल किसी बच्चे ने ये पूछा था, आज है नहीं, कि अगर रिफाइनमेंट अगर अलग अलग पार्टीशन के अबाउट आप लोअर सम और अपर सम निकालेंगे तो वो इक्वल आएंगे, है ना। तो कल भी मैंने बताया था कि इक्वल नहीं होंगे, और यहाँ से भी जब आप रिफाइनमेंट के अबाउट निकालोगे लोअर सम और अपर सम तो देखोगे इक्वल नहीं आएंगे आंसर, कर लोगे, करो एक बार फटाफट, कोई भी रिफाइनमेंट ले लो फिर उसके अबाउट आपको लोअर सम और अपर सम निकालना है फंक्शन का। देखो एक मेथड तो जो अभी करवाया वो था, है ना, और कोई बच्चा ऐसे अगर m1 m2 की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा तो एक और मेथड बता देती हूँ मैं आपको। अगर आप ग्राफ इजीली बना पाओ, अगर आप ग्राफ इजीली बना सकते हो तो आपको निकालने में आसानी हो जाएगी m1 m2 की वैल्यू, ठीक है। रफ वर्क में जाओ और ग्राफ बनाओ और फिर वहां से देखो वैल्यू और पुट कर दो, बाकी प्रोसीजर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेंगे, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x+1, अगर मैं ये ले लूँ y=x+1, ठीक है, तो है तो ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पर मुझे ये नहीं पता वो स्ट्रेट लाइन बनेगी कहाँ पे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, एक बार y की वैल्यू 0 मत करो, y की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट कर लो, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 1 पुट की, है ना। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट पता चल जाए तो दोनों पॉइंट को मिला के जो लाइन बनेगी पता चल जाएगा आपको कहाँ बनेगी वो लाइन, है ना। तो ये एक मैंने ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, और मुझे 4 भी लेना पड़ेगा, ये 4, ठीक है बच्चों। आप देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, मतलब एक पॉइंट तो है आपके पास 0 1 और एक पॉइंट आया है 1 2, यही है। तो अब ग्राफ बना लो, देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 1, एक तो ये पॉइंट हो गया, और एक जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ कहीं आएगा एक पॉइंट आ गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर दो, वो आपकी ये स्टेट लाइन आ गई जिसकी ये इक्वेशन है, तो आपकी ये ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी आ गई, y=x+1, ठीक है बच्चों। आप देखो आपका जो इंटरवल है वो कौन सा है, हमें बाकी जगह तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन की हमें जो लोअर सम और अपर सम निकालना है वो इस पार्टीशन के अबाउट निकालना है, और ये आपका फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, तो 1, 2, 3 ये है ना, ठीक है। अब
इसके हमने दो सब इंटरवल बनाए थे इस पार्ट के लिए, क्या क्या, आई वन क्लोज इंटरवल 1 to 2 और आई टू क्लोज इंटरवल 2 to 3, ये दो सब इंटरवल थे। अब फर्स्ट सब इंटरवल बच्चों 1 to 2 ये बना, सेकंड सब इंटरवल 2 to 3 ये आई वन है, ये आई टू है, ठीक है। अब जो आई वन में फंक्शन की, ध्यान रखना फंक्शन की बोल रही हूँ मैं, जो आई वन इंटरवल में फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड होगा ना, वो वैल्यू होंगी स्मॉल एम वन और कैपिटल एम वन, ठीक है। अब इसमें जो फंक्शन की वैल्यू आई आपकी वो ये आई, ये वैल्यू आई फंक्शन, बस ठीक है। अगर आप 1 to 2 पे देखोगे तो ये वैल्यू है, ये ठीक है, और जैसा कि आपको ग्राफ दिख ही रहा है इंक्रीजिंग है ना, तो यहाँ से सबसे जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो ये, क्योंकि हर वैल्यू इस नंबर से या तो बड़ी है या इक्वल है ना, और ये बन गया आपका लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड बाकी और भी होंगे जो इससे छोटे जितने भी नंबर है ना, ये सारे इधर वाले ये भी इसके लोअर बाउंड है, बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही आपके, ठीक है। अब ये वैल्यू कौन सी है, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है 2, तो स्मॉल m1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद 1 to 2 इंटरवल में i1 में ये चेक कर रहे हैं पहले हम, तो यहां पर ये देख लेंगे, देखो ये जो भी वैल्यू है इससे फंक्शन की सारी वैल्यूज, या तो 1 to 2 इंटरवल की बात चल रही है ना, बाकी सारी वैल्यूज या तो छोटी है या इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अपर बाउंड, और इससे बड़े जितने भी नंबर है वो भी अपर बाउंड है, लेकिन उन सब अपर बाउंड में लिस्ट अपर बाउंड ये, ठीक है। तो ये वैल्यू कौन सी है, ये जब एक्स की वैल्यू 2 है ना, जब एक्स की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है 3, तो कैपिटल एम वन की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आप सेल्स में देख सकते हो आई टू में जब आप चेक करोगे, आप इसको भूल जाओ, इसमें तो हमने निकाल ली ना वैल्यूज, अब आई टू की बात करते हैं। आई टू सब इंटरवल कौन सा है, 2 to 3 क्लोज इंटरवल, अब इसमें फंक्शन की वैल्यू हम चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो ये है और 3 पे ये है और बीच वाले पॉइंट्स पे ये वाले, ये है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिससे फंक्शन की सारी वैल्यूज या तो बड़ी हो या इक्वल हो, तो ये नंबर है जिससे फंक्शन की सारी वैल्यूज दिख रही है ना, सारी या तो बड़ी है या इक्वल है ना, तो ये इसका लोअर बाउंड बन गया, और इससे छोटे जितने भी नंबर्स है ना वो सारे इसके लोअर बाउंड बनेंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही होगा, ठीक है बच्चों। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर ये आ गया, तो ये तो जब x की वैल्यू 2 है ना, तो उसके जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो वैल्यू है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आपके पास स्मॉल m2 की वैल्यू आ गई 3, और फिर हम कैपिटल m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू बतानी है आपको जिससे फंक्शन की सारी वैल्यूज या तो छोटी हो या इक्वल हो, तो ये नंबर है ना, बाकी सारी या तो लेस है या इक्वल है, ये नंबर भी है, मैं ये कह दूँ ये नंबर है कि फंक्शन की सारी वैल्यूज या तो लेस है या इक्वल है ना, तो ये भी अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड है, ये नंबर और इससे बड़े जितने भी नंबर है वो सारे के सारे अपर बाउंड है, लेकिन उन सब अपर बाउंड में से लिस्ट अपर बाउंड कौन सा है, ये, और ये वैल्यू कौन सी है, जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू है 4, तो कैपिटल m की वैल्यू आ गई 4। ये वैल्यू इसलिए जाकर आप लोअर सम और अपर सम वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका लोअर सम और अपर सम आ जाएगा, ठीक है, आ गया, समझ सकते हैं। तो लोअर सम और अपर सम के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, बाकी हम कल कर